मन से चाचा मई को जिसे अंतिम आपकी मुलाकात हुई। राजीव जी मौके मुक्त चाहते हैं जिनसे बिजली का रेट किसानों का हाल और कितना कर दिया जाए ताकि लाखों उनका अपनी रोजी रोटी को कमा सके। मैं आप लोग जिस दिन सोनिया जी प्रधानमंत्री बनेगी मैं भूल गया हूँ कि इस मांग को कि उनके हाल पावर के करे किसानों के लिए तो निर्धारित किया जाए इस हाथ जो इंदिरा जी के नाम पर राजीव जी के नाम पर कहूँगा। आप सबने मेरा इतने प्यार से स्वागत किया है इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। अच्छी तरह याद है इंदिरा जी जब संकट में थी और बाकी लोग उन्हें छोड़ गए तब कल्पना जी उन चंद लोगों में से थे जिन्होंने उनका साथ दिया। उन्होंने अपनी जान भी उनको खत्म होते हुए मैं नहीं देख सकती। जब तक मैं जीवित रहूंगी तब तक मैं उन्हें कायम रखने के लिए लड़ती रहूंगी। मेरे खिलाफ चाहे वे झूठे आरोप लगाए चाहे साजिश करे चाहे वे मुझे विदेशी कहलाए वे मुझे कभी नहीं रोक पाएंगे क्योंकि आपके दिल साफ है। कुर्सी के पीछे पागल होने वालों को इन चीजों की क्या समझ हो सकती है। इन्होंने तो देश को बेहाल कर रखा है। मूल सुविधाएं भी जनता को उपलब्ध नहीं है। जो योजनाएं जनहित के लिए होनी चाहिए उन्हें भी ठीक तरह से लागू नहीं किया जा रहा। माओ ने तो पिछले 10 सालों में एक भी बिजली का कारखाना नहीं लगाया गया। यहाँ के बुनकर लोग बिजली की कटौती से परेशान हैं जिनके द्वारा उनकी कोई सुनवाई नहीं रही। जो सामान मुश्किल से बनता है उसे बेचने में भी कठिनाई आती है। बाहर के व्यापारी अपराधियों की वजह से यहाँ आने से डरने लगे हैं। हाल में पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक सीमेंट के कारखाने बंद हो चुके हैं। टीमों पर खास प्रेशर किया है। इसमें प्रदेश के कृषि और उद्योग की उन्नति के लिए नए नए कार्यक्रमों और योजनाओं का उल्लेख किया है। कोई उसूल या सिद्धांत नहीं है जिन्होंने भारतीय समाज के श्रेष्ठ मूल्यों की हत्या की है। नई सदी में देश का नव निर्माण एक नए सिरे से करेंगे। अब मैं आपका ध्यान उन वीर सैनिकों की तरफ दिलाना चाहती हूँ जो सरहद पर घुसपैठियों की मुकाबला कर रहे हैं। अपनी जान पर बाजी लगाकर तो हमारे देश की सुरक्षा के लिए दिन रात लड़ रहे हैं। ये बहादुर सैनिक हमारे भाई हैं। हमें इनकी कुर्बानियों को हमेशा के लिए अपने दिलों में बसाना चाहिए। न पर कभी नहीं भूल पाएंगे और हमेशा के लिए उनके शुक्रगुजार रहेंगे। उत्तर प्रदेश के कई नौजवान कारगिल में शहीद हुए हैं उनको मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मैं देश के अलग अलग हिस्सों में जा रही हूँ।
तो आइए देखते हैं स्वर्गीय कल्पना राय की अंतिम यात्रा पर एक रिपोर्ट। आवाज अब चित नेत्रा में विलीन हो गई है। समर का वह वीर योद्धा, विकास का प्रणेता, आँखों में आंसू देकर आकाश का उजास बन गया। पूर्वांचल की धरा पुकारती रही, पुत्र इतिहास बन गया। इस विभूति का अंतिम संस्कार दिनांक 7/8/99 को वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर हुआ। स्वर्गीय कल्पनाथ राय लगभग 2 दशक से अधिक देश और प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे और मऊ जनपद के रूसी संसदीय क्षेत्र से कई बार विजयी होते रहे, जिन्होंने अब हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। विकास पुरुष कहलाने वाले कल्पनाथ राय अपने हरफन मौला अंदाज से हरदम सुर्खियों में रहे। 4 जनवरी 1941 को मऊ के सिमरी जमालपुर ग्राम में एक गरीब परिवार में पैदा होकर प्राथमिक तथा इंटर की शिक्षा गांव में ही रहकर पूरा करने वाले शिवली नेशनल कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में अपना राजनैतिक सफर शुरू करने वाले कल्पनाथ राय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे और यहीं से शुरू हुआ इनका राजनैतिक सफर। पवन राज्यसभा लोकसभा के सदस्य
कई बार देश के मंत्री पद पर आसीन रहते हुए पूर्वांचल के लिए कई उल्लेखनीय कार्य किए, जिसके कारण इन्हें पूर्वांचल का विकास पुरुष कहा गया। जनपद मऊ के बुनकर किसान एवं यहाँ की आम जनता इन्हें इनके कार्य के लिए सदा याद रखेगी। पवन की गति सूर्य का प्रकाश रुक गया, सोचा था होगा नाम बड़ा काम दिखा के, जान जाने से पहले उनका अरमान लुट गया। चलते थे लेके कश्तियाँ वो भंवर में, साहिल पे आने से पहले नागवार डूब गया। आसमान रोने लगा तारे भी रो दिए, रोती है धरती आज उसका लाल उठ गया। साहेब, मतलब ये कैसे नीति थे जो आज सारे दल के लोग
लखनऊ जनपद के शहीद राम कुमार के अंतिम संस्कार पर एक रिपोर्ट।